देश में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आजादी की लड़ाई जोर पकड़ रही थी। अलग अलग स्थानों पर आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे थे। इस बीच 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत साथी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार पर बड़ी चोट की। इन सभी क्रांतिकारियों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना ने गोरी सरकार को हिला कर रख दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काकोरी ट्रेन एक्शन से एक महिला क्रांतिकारी का नाम भी जुड़ा है, जिसे इतिहास के पन्नों से गुम कर दिया गया। वह गुमनाम नायिका कौन थी जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दिया और इस रेल एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंतिम छोर तक और जानिए इस घटना से जुड़े रोचक तथ्य। भारत पर 200 साल चलने वाले अंग्रेजों के शासन की शुरुआत से ही इसके विरुद्ध देश के कई भागों में स्वतंत्रता आंदोलन होता रहा। अलग अलग कालखंडों में आजादी के लिए हुए विद्रोहों में स्थानीय स्तर पर मातृशक्ति की भागीदारी भी रही। ऐसा ही एक विरोध था काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसको अंजाम देने में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की महिला कॉमरेड राजकुमारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजकुमारी का जन्म 20वीं शताब्दी के पहले दशक में वर्ष 1902 में बांदा में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में राजकुमारी का विवाह मदन मोहन गुप्ता से कर दिया गया। उनके पति मदन गुप्ता भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे, जिसके कारण राजकुमारी प्रयागराज में महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आई। उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था, राजकुमारी भी इसमें सक्रिय योगदान दे रही थी। जैसे जैसे राजकुमारी आंदोलनों में एक्टिव हुई, उसे लगने लगा कि अंग्रेजों के अत्याचारों से केवल अहिंसा के द्वारा आजादी नहीं मिल सकती। इसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद से न सिर्फ जुड़ी और संगठन के लिए गुप्त सूचनाएं और सामग्री दूसरे क्रांतिकारियों तक पहुंचाने लगी। बाद में वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रयागराज विंग की प्रमुख कार्यकर्ता हो गई। 9 अगस्त वर्ष 1925 को हुए काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देने वाले क्रांतिकारियों को रिवॉल्वर मुहैया करवाने की जिम्मेदारी भी राजकुमारी गुप्ता की थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। राजकुमारी कपड़ों के अंदर हथियार छिपाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करती थी। सुरुचि थापर की किताब Women in the Indian National Movement, Unseen Faces and Unheard Voices, 1930 से 1942 के अनुसार, एक बार जब वह हथियार पहुंचाने जा रही थी, तब इन्हें खेतों से गुजरते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1930, 1932 और 1942 राजकुमारी ने जेल में गुजारे। मातृभूमि के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देने वाली ऐसी गुमनाम वीरांगनाओं को शत शत नमन।